एमएसडीसीएल ने पिछले 11 दिनों से इंदापुर तहसील में किसानों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से काट दी है। नतीजतन किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही जानवरों और लोगों के पीने की पानी की समस्या गंभीर हो गई है। हालांकि 11 दिन बीत जाने के बाद भी कृषि को बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं होने पर भाजपा नेता एवं मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने शनिवार सुबह इंदापुर स्थित एमएसडीसीएल के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। रविवार को दूसरे दिन भी पाटिल का ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहा। इस दौरान भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने घोषणा की, जब तक किसानों की बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं हो जाती तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा।